Now, this is a braille slate having a stylus with it. And this is a stylus and this is a braille slate. And usually it consists of different cells, and the cells measurement, it is 6 by 3.6 millimeter. And ma'am, a paper pass kara sakte? So usually this is a braille paper, and braille paper has two sides, smooth one and rough one. So we have to insert the paper from the rough side in order to write into the braille slate, and we write from left to right and read from right to left. So this is a standard braille slate, and the position of writing into a braille slate, the stylus should be hold like this, and the hand should be straight onto the braille slate, and the stylus should not be hold into different deviation patterns like the child loo. In that case, if the different deviations are present into the child patterns of holding a stylus, the braille dots can be punched wrongly. So we have to make sure that the stylus should be handled correctly, and this is a standard braille slate with its stylus. So after we have made sure enough that the child has developed the tactile sense onto tabletop activities by providing him different homemade materials, for example, we can make him learn like what is the tactile experience of touching pulses or chawal or rajma or different spoons, bowls, etc., or making a trip to the garden while providing him a basket and make him to pluck grasses and flowers. We then progressed on to the standard braille slate. Ma'am, aage badhte aur hum kya dekhenge? आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि वही बात है कि बच्चे को हम टच पावर को जितनी अच्छी तरह से डेवलप करा सकते हैं बच्चे की प्रोग्रेस के लिए वो उतना ही अच्छा होगा. जो बातें हम यहाँ क्लासरूम में बच्चों को उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं, अगर यदि वो वाकई में घर पर भी होती हैं तो उसका रिजल्ट डे बाय डे हमें बच्चे के साथ देखने को मिलता है. बच्चे को अपना बैग तैयार करना, टिफिन खोलना बंद करना, पानी का बॉटल खोलना बंद करना, ये सभी इतनी सारी एक्टिविटी हैं जो कि हमारे पूरे फिंगर्स मूवमेंट और पूरा हाथ ही इसमें हमारा कोरिलेट हो जाता है. रोटी तोड़ना, लंच करना, ये सभी बातें जो हैं बच्चे को तैयार करती है ब्रेल टीचिंग के लिए. फिर वही हम इस टच में हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा टच हमने अभी महसूस किया, कब गर्म छुआ, कौन सी चीज़ हमने ठंडी छुई, कौन सा टेक्सचर. मैं बच्चों को पूछती हूँ, बच्चों आज मैंने क्या पहन कर आई हूँ, उनको टच करती हुई चेयर के पास से लेकर आती हूँ कि आज मैं क्या पहन कर आई हूँ. जो बच्चे टच करके बतला सकते हैं वो कुछ बच्चे बड़ी जल्दी बतला देते हैं. इवन मैं फिर जो टेक्सचर यूज़ किया, अच्छा आजकल हम कौन से कपड़े पहनने लगे हैं, क्यों पहनने लगे हैं, वुलन क्यों पहन रहे हैं, ये सब फिर उससे कोरिलेट करते हुए सीजन्स की बात आ जाती है. तो वहाँ पर टेक्सचर और सीजन जो आ रहा है उसकी बात हमने की, और टेक्सचर को डेवलप करने के लिए हमेशा कोई ना कोई चीज़ उन्हें हम देते रहते हैं, और जरूर से उन्हें पूछते हैं कि बेटा आपने अब क्या छुआ, ये कैसा था, अच्छा टिफिन आज नया वाला है कि आज पुराना टिफिन आया है आपके पास, अच्छा मैं ये कौन सा काम कर रही हूँ, मैंने अब सिर झुकाकर आपसे, कुछ बच्चे सिर ऊपर करके बात करते हैं तो उनको ये पूछा था कि मैं क्या ऊपर हूँ, मैं ऊपर पंखे पर बैठी हूँ या मैं ऊपर सिर करके बात कर रही हूँ, तो आपको भी कैसा लगेगा. ये सारे पोस्चर उनको क्लियर करते हुए हम टच पोस्चर और डेली का उनका वही मेमोरीज के ऊपर लेकर आते हैं बच्चे को. तो मेमोरी के ऊपर लाने के लिए भी हम उनके साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी कि कल आपने लंच में क्या खाया था, हॉस्टल के बच्चों का लंच एक जैसा क्यों होता है, सारे बच्चों का लंच एक साथ क्यों आया है, तो ये सब बातें क्वेश्चन आंसर डेली करने से वो एक दिन आंसर देने के लिए तैयार हो जाते हैं. डे स्कॉलर बच्चों का लंच अलग क्यों होता है, फिर डे स्कॉलर बच्चे क्या खाकर आते हैं, वो दूर से आते हैं वो क्यों नहीं खाकर आते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि हम उनसे, या कल क्या किया था, किसकी शादी में गए थे, उन्हें बच्चों को हमें जरूर बताना है कि हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ये सारे रीजंस. फिर धीरे धीरे हम बहुत सारे काम हैं जो कि जैसे ये पैक बोर्ड हम क्लास में जब बच्चों को देते हैं तो पैक बोर्ड में भी हमने बटन से यहाँ पर उनको एक मार्क किया हुआ है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टैंडर्ड एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह से भी बनाएंगे और एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे.
स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए पहले तो बच्चा अटेंडम सारे पैग बोर्ड में ही पैग्स फिक्स करता है, और वो कहीं भी अटेंडम हमें उसमें भी यही है कि हमारे दोनों हाथ इसमें मूव कर रहे हैं और दोनों हाथों की एक्टिविटी हो रही है, और वो कहीं भी अटेंडम उसका एक ब्रेन जो है काम के लिए, काम करने के लिए कि ये मेरा काम है प्रिपेयर हुआ और उसने निकाला और लगाया, तो ये निकालने और लगाने में जो हमारी उंगलियों ने प्रेशर दिया ये उसने एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिवली की। फिर धीरे धीरे बच्चों को हम सिखलाते हैं कि ये तो काम हमने कर लिया बहुत सारा, अब हमें एक दिन प्रॉपर वे में काम करना है, तो हम लाइन कैसे लगाएंगे, तो वही है कि एक लाइन वन हैंड से जो हमने राइट हैंड अगर यदि हमने इन्वॉल्व किया लगाने के लिए, तो लेफ्ट हैंड हम होल ढूंढने के लिए करेंगे कि उसका सेकंड होल जो है सेल कहाँ है, दूसरा होल कहाँ है, वन बाई वन बच्चा, तो उसमें एक फंक्शनिंग आती है कि हमको स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन कैसे लगानी है। सीधी लाइन लगाने के बाद में स्लिपिंग लाइन लगानी है, फिर पूरा वो घेरा बना लेते हैं, हम उन्हें एक सीन बताते हैं कि ये देखो हमारे स्कूल की दीवार भी बन गई और हम यहाँ पर हमारा क्लासरूम भी बन गया और यहाँ पर हम बैठे एक्टिविटी कर रहे हैं, या हम हमारे प्रेयर के बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, चलो सारे प्रेयर के बच्चों की लाइन लगा देते हैं, तो वो खुशी खुशी इस काम को पॉजिटिवली करते हैं। तो ये हमारा फ्री पैक बोर्ड है। मैम जैसे आपने बताया कि हम टेक्सचर भी डेवलप करते हैं, तो ये ब्रेल स्लेट पे प्रोग्रेस होने से पहले ये एक्टिविटी होगी या ब्रेल स्लेट पे प्रोग्रेस होने के बाद ये एक्टिविटी होगी? ये हम ब्रेल स्लेट से पहले देते हैं ना टेक्सचर की एक्टिविटी देते हैं कि वही है कि आपने कौन सा स्वेटर पहना, सॉफ्ट है या मेरा शॉल कैसा है, मेरा स्वेटर कैसा है, उन्हें हम टच जब देते हैं तो टच देने के लिए हम उन्हें ये बुक्स हैं इस तरह की, और भी हमारे पास बहुत सारे फाइल हैं, मटेरियल हैं, इवन वही स्कूल में अंदर बाहर डेस्क टेबल सभी चीजें उनको टच करके कि देखो ये चीज जो ये बज रही है ऐसी तो हमारी टेबल भी है, और क्या क्या चीजें हैं रूम में, अपनी चेयर देखो, शेल्फ देखो, मैम की चेयर देखो, मैम का टेबल देखो, अपना जिसमें अपना बैग रखा है आपने वो वाला भी चेयर देखो, टेबल देखो, तो ये सभी चीजें, आपने जो ड्रेस पहना वो सब कैसा है, इन सब का टेक्सचर देखो, ये किससे मिलता है, हमारे टिफिन से मिल रहा है या हमारे रेनकोट से मिल रहा है या हमारे बैग के टेक्सचर से मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है, उनको बैग की पहचान भी फिर हम इसी तरह से करवाते हैं कि आपका बैग में ऐसा क्या क्लू है, यदि मान लो बाई चांस कुछ भी नहीं मिलता तो हम उनकी मदर से कहते कि एक इसमें की रिंग आप चेन के साथ ऐड कीजिए, बच्चा उस की रिंग के थ्रू पहचानेगा कि वो बैग में उसका है, तो ये डिफरेंट टेक्सचर है, रफ टेक्सचर है, इन सबसे बच्चा पता करता है कि ये चीज क्या है और किसको कोरिलेट कर रही है। ये सभी हम स्टार्ट करते हैं टच के पावर के लिए। देन जब हम ब्रेल में आ जाते हैं तो ब्रेल स्टार्ट करने के लिए यही है, नंबर्स हैं, कितनी चीजें हैं उनको बतलाई जाती है, कितना सामान है वहां पर, घर पे भी हम उन्हें देते हैं कि पोटैटो काउंट करके आना, आज अपने घर के सारे स्पून काउंट करके आना, आज टेबल गिनकर आना, आपके घर में कितने बेड हैं वो गिनकर आना, तो उसी तरह से हम बच्चों से पूछते हैं कि फिर ये कितने फिगर्स, कितना होल बना, ये बता तो नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा है, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए फिगर्स बनाए हैं कि ये हमें भी अच्छे लगे, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, साइटेड पर्सन को, ब्लाइंड पर्सन दोनों को ही वो अच्छे लगे, टच करने में भी और देखने में भी, यदि लो विजन बच्चा भी इन्हें देखता तो वो कलरफुल एक्टिविटी उसे बहुत अच्छी लगेगी, तो हम उसे पूछे कितने होल्स हैं इस पेपर पे, कितने होल हैं, तो वो बताने के लिए एक बार नहीं दो बार नहीं लेकिन आगे से वो तैयार हो जाता है कि मैम ने इस बुक को, ये हमारी बुक है, वो रोज रोज से परिचित होता है, ये मेरी किताब है और मैं इसे देखकर मैम को जल्दी से बता दूंगा कि ये फिगर्स कितने बने हुए हैं। हालांकि तब तक उनका स्टार्टिंग क्लास में फिर भी उनका इतना डेवलप नहीं हो पाता कि ये कौन सा एकदम इक्वल एग्जैक्ट शेप है, फिर भी सर्कल स्क्वायर में वो फर्क बतला देते हैं। सो बिफोर प्रोग्रेसिंग ऑन टू द ब्रेसलेट वी ऑल्सो हैव टू मेक द चाइल्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेक्सचर्स, फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रोवाइड अ टेक्सचर बुक टू द चाइल्ड, लाइक इन केस ऑफ दिस इफ द चाइल्ड टचेस दिस टेक्सचर वी कैन मेक द चाइल्ड टू कोरिलेट व्हाट अदर थिंग्स आर प्रेजेंट इन टू द एनवायरमेंट विद हुम दिस टेक्सचर कोरिलेट, ईदर विद द शॉल और ईदर विद द स्वेटर एक्सेट्रा, देन नेक्स्ट the child can touch this and this is a wood and the child can correlate it with the table, chair or different other wooden things which is present into the classroom. Then next we can progress on to this texture. It just the child can correlate it with the texture of that of a bag or that of a raincoat, and simultaneously this is texture of a sponge, and we can make the child to know that the sponge it is used while bathing, and the child can also feel it, or the child can also get a concept of
this texture of a sponge, what it is like, and we can also provide different sandpapers, which is rough, soft, hard, etc. But we have to mind that we do not have to damage the tactile receptors. We do not have to provide the harsh kind of things to the child, otherwise it will damage the tactile receptors, because it is the only mode or the only reliable mode with the visually impaired child depends upon in order to read and write further. Simultaneously, we can also progress onto numbers. Like in this case, this is a number book. Also, the child can get an idea what does the shape of 3 like. Although starting, it is very difficult to get an idea what does the shape of 3 is like. But later on, progressing onto further reading and writing, the child can get an idea what does 3 look like, or what is the shape of 3. And simultaneously, it is also very important or also very motivating for a low vision child to see these different kind of bright materials. Plus, the child can also feel the different kinds of shapes, such as that of a star or that of a square or that of a circle. Although initially it is very important to identify these shapes, but later on, as providing different activities to the child can also identify the different shapes along with the textures, etc. After the child has developed all these textures and these number activities, we can progress on to different pegboards. Like in this case, this is a pegboard. The child, we can make the child to draw the lines, either the vertical lines, or we can make the child to draw the standing lines, and we can also make the child to draw the boundaries, like in this case. And while drawing the pegboards, the child's one left hand should be onto the dots, like in this way. The child's left finger should be onto the dots, progressing, and he can make the peg into the pegboard. In this case, the child is able to identify or make a concept of directionality, that he has to progress into this line or he has to progress into this pattern. So we can make the child to draw the lines vertical or standing lines or draw the boundaries. In this way, these are different activities which should be done on while progressing onto the braille slate first. और मैम आगे और कौन सी एक्टिविटीज आपको मेरे दर्शकों को मैं आपको यही बार बार बताऊंगी, पेरेंट्स सभी पे जाने कि बच्चे को हमें लेफ्ट और राइट की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से बतला देनी है। दिन भर हम उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी लेफ्ट और राइट की करवाते हैं, इवन जब पीटी होती है सुबह मॉर्निंग में, तो हम उन्हें बार बार लेफ्ट राइट, राइट हैंड अप, राइट लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, इस तरह की सारी एक्टिविटीज को वेस्ट में रखो, उसकी मूवमेंट करना है, ये सब तो हम करवाते हैं। क्लास में भी हम आपके लेफ्ट साइड में कौन बैठा है बेटे, आपके राइट साइड में कौन बैठा है, मैम कहाँ है, अच्छा चलो अपने फ्रेंड का राइट ईयर पकड़ो, और अच्छा इस तरफ से फ्रेंड का लेफ्ट ईयर पकड़ो, तो इस तरह की बहुत सारी अपने फ्रेंड का लेफ्ट ईयर पकड़ो, तो उन्हें ये भी पता चलता है कि दूसरे की भी बॉडी में वो चीज कहाँ है। और दूसरा ये कि वो नॉर्मल किस तरह से वो अपना फ्रेंड्स बना करके, और उसे डायरेक्शन का बार बार की टिफिन अब इस साइड में जाना है, एग्जॉस्ट फैन किस तरफ चल रहा है, वो डायरेक्शन कौन सी है, वहां जाना है। तो बार बार उन्हें डे बाय डे की लाइफ में भी राइट लेफ्ट अप डाउन दोनों की ही हमें देना बहुत जरूरी। इसमें भी हम बच्चों को वही है कि अपर लाइन में कहाँ जाना है, लोअर लाइन में नीचे कहाँ आना है, लेफ्ट साइड कहाँ है, राइट साइड कहाँ है, बार बार बच्चे को ये दिखलाना। फिर उसके बाद हम इनको स्लीपिंग लाइन में भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये सब जो प्रोग्रेस एक्टिविटीज हैं ये करवानी बहुत जरूरी है। तो ये मोस्टली हमारा फ्रेम इन सब काम में बहुत ज्यादा यूज होता है कि हम दिन भर में बच्चे को कई बार लेफ्ट राइट और अप डाउन ये सब की प्रोसेस हम करवाते रहे। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारी बातें हैं जो कि उनके रियल लाइफ से लेनी, कि आज ऐसा था, वो दरवाजा वहां खुला था, या कोई भी जो एक्टिविटी है उसको कोरिलेट करें कि मैच मैच क्या हुआ था, कौन कहां पर गिर गया था, फिर क्या हुआ था, उसको रिलेट करते हुए कि अच्छा उसको ये डायरेक्शन पता नहीं होगी इसलिए उसने वॉल छोड़ दी, या आपको दीवार छोड़कर मैं आपको बाहर एक्टिविटी के लिए रैंप पर दे जा रही हूँ, भेज रही हूँ, तो आप वहां पर लेफ्ट हैंड पकड़ करके ही जाना, और जब उतरोगे तो राइट हैंड पकड़ कर उतरना, तो आप उससे गिरोगे नहीं, किसी से टकराओगे नहीं। तो ये सब चीजें जाने से वो सेफली अपने को कि हाँ मेरे को राइट हैंड का कहाँ पर यूज करना है, लेफ्ट हैंड का यूज अब कहाँ करना है, जाने में लेफ्ट हैंड से जाना है और आने में राइट हैंड से रैंप को पकड़ कर आना है, ये सारी एक्टिविटी है उसके हमें डे बाई डे के प्रैक्टिकल से ही लेकर आते हैं।
तो हम अपनी इन प्री ब्रेल क्लासेस में बच्चे को बहुत सारा की बैग में कल आप इतने मटर लाएंगे, उतनी मूंगफली लाएंगे, मूंगफली के हम क्लास में छिलके छीलते हैं, मटर के छिलके छीलते हैं, आपस में बांटकर शेयरिंग करके खाते हैं, ये सब एक्टिविटी उनसे करवाते हैं। वही फिर राजमा चावल अलग करना, तरह तरह के बीड्स लेना और उनके शेप्स के साथ अलग करना कि चलो आज ट्राइंगल वाला ही लगाएंगे, आज हम सब ट्राइंगल का ही काम करेंगे, तो ट्राइंगल में कौन कौन सी चीज हमने खाई थी, शाम को हमने नाश्ते में क्या समोसा खाया था तो उसका शेप कैसा था, तो ट्राइंगल को कोरिलेट करते करते सारी चीजें ट्राइंगल में लेकर आएंगे। फिर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो कि जैसे पत्ते तोड़कर पत्ते पिरोना, उनकी झाड़ू जैसी बनाकर लगाना, तो हमने झुककर वो एक्टिविटी की। ये सब क्रियाएं जो है लेफ्ट राइट के हमारे जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, वो करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। So it is very important to teach the directionality concept to the child, to the visually impaired child, because if he progress onto the braille slate, and in the braille slate we write from left to right and read from right to left, so it is very important to teach the concept of directionality to the child. We can incorporate these directionality concepts into the child daily routines. For example, if a child is attending assembly, so we can provide instructions to the child: hold your friend's left hand, or hold your friend's right hand, or move your right hand up, or move your left hand down. In this way we can incorporate these instructions about the directionality into the child daily routines. Then we can provide different activities to the child. For example, in order to recognize the shapes, like if the child is having a lunch or there's a meal time, we can make the child provide the child parathas in the shape of a triangle or that of a roti into a circle. So in this way we can also develop certain shapes concept to the child. Plus, as we saw into the book or the number book, in that case also we can develop the shape concept into the child, that of a star, that of a triangle or square, rectangle, circle. And also the directionality concept, we have to stress upon the directionality concept of the child from the beginning, because it is very important in order to read and write into the braille. And these the directionality instructions, they can be incorporated into the child's daily routines, whether it's in the school or whether it's in his house. आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम टीचिंग एड्स में और क्या देखेंगे। इन्हीं प्रैक्टिस को ही हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों को एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करवा सकते हैं थ्रू बुक के। जैसे हम बच्चे को बताएंगे कि बच्चों बुक क्या होती है, बुक की कॉन्सेप्ट मुंह से बोलना, फिर उसे बुक की कॉन्सेप्ट देना, बुक क्या कहलाती है। तो हमने उसे बुक दी, फिर उसको हमने कहा कि अच्छा ये बताओ बुक का ऊपर का हिस्सा कौन सा है, नीचे का कौन सा है, जो क्लिप्स लगे होते हैं, जो स्टेपल किया हुआ हिस्सा है वो बुक का अंदर का हिस्सा, तो क्या वहां से बुक खुलेगी। इस तरह से हम बहुत सारी उससे एक्टिविटी करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका शेप कैसा है, ये लंबी है, चौड़ी है, भारी है, हल्की है, क्या इस बुक में कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, रफ है कि फाइन है, ये स्मूथ है, फिर इसमें कितने पेजेस हैं, चलो हम इनको गिनेंगे, तो इसका आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का हिस्सा कौन सा है, क्या हम इसे सारी बुक को ही पेज कह देंगे या कि इसके कुछ पेपर्स होंगे, इसके इसको खोलने का तरीका क्या है। तो अब तुम बताओ कि इसका आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का हिस्सा कौन सा है, ये बुक कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से खत्म हो रही है, ये सारी बहुत सारी एक्टिविटी हम उसके हाथ में, बच्चों के हाथ में बुक दे करके। तो कोई भी ड्राइंग बुक है, छोटे स्मॉल बुक है, जो भी बच्चों को अच्छी लगती है, हम उन्हें बनाकर देते हैं और उन्हें इस तरह से बुक्स दे देते हैं घर के लिए भी, कि ये आपकी एक्टिविटी है, आज इसको खेलना और इसको खोलना घर में, ये कैसी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है। तो ये तो हम घर पे ही प्रिंट बुक्स, मदर्स जो है अपनी कोई भी बुक्स दे सकती हैं, जो भी उनके पास आती हैं मैगजीन्स जो है आती हैं डेली, ये दे सकती हैं इसको, फिर बच्चे को उसकी एक्टिविटी करवाएं। अब हमें बच्चे को पेपर पलटना सिखाना है, तो वो बच्चा कहाँ से करा, तो हमें उसको दिखाना कि चित्र भी इसमें बने होते हैं, तो बुक सीधी कहाँ से है। तो हम बच्चे के लिए प्लेन बुक में एक बिंदी लगा करके भी, कि जहाँ से बिंदी लगी है, जहाँ कुछ उभरा हुआ, वहां से ही ये वाली बुक जो है, मेरी बुक जो है, वो स्टार्ट हो रही है, और इसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, इसमें तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आए हुए हैं, किचन सोल्ड बहुत सारे आइटम्स के जो है एडवर्टाइजमेंट आए हुए हैं, कुछ कार्टून्स हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ इसमें पोएम्स भी आए हैं, कुछ स्टोरीज हैं, कुछ आर्टिकल आए हुए हैं जो कि हमको ड्रेसेस के बारे में आती है, ये कुछ ऐसे फिगर्स बने हुए हैं। तो मदर जो है घर पर अपनी बुक से परिचित करा सकती है। स्कूल में फिर हम उसको कोरिलेट करते हैं कि ये देखो ये हमारी, इस तरह से हम भी स्कूल में बनाते हैं, ये हमारी ब्रेल बुक है।
तो ये ब्रेल बुक है, हम भी बुक पढ़ते हैं उन्हें। बहुत बच्चे जो है ना हमारे पास शुरू में आते हैं और वो बोलते हैं मैम मैं भी अपने भाई की तरह बुक पढ़ूं, और वो अपनी डायरी निकाल कर बकायदा इस तरह से चेहरे के आगे लगा कर बैठ जाते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है कि इसके अंदर भी ये वाली फीलिंग्स आ रही है कि मेरा भाई पढ़ता है तो मैं भी उसे पढ़ने की कोशिश करूँ। तो फिर हम उसे सिखाते हैं कि बेटा आर्यमान आप भी बुक पढ़ लोगे, लेकिन हम थोड़ा अपनी बुक को कुछ नया बनाएंगे, हम अपनी बुक में कुछ ऐसा बनाएंगे कि हम जिसे अच्छी तरह से टच करके भाई से भी अच्छा हम एक दिन पढ़ लेंगे। तो उनको उस तरह से कोरिलेट करके उन्हें खुशी होती कि मैं भी अपने भाई की तरह ये वाली बुक में क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो उसको हम एहसास कराते कि नहीं हम भी पढ़ लेंगे अपनी बुक एक दिन। तो उसको काफी अच्छा लगता है कि इस बुक में जो है मैंने कुछ देखा। हम टीचर्स एवरी सैटरडे या किसी ऐसे फ्री टाइम में बच्चों से जब फ्री हो जाते हैं तो कुछ हम ऐसा अपना रीडिंग मटेरियल बनाते हैं, और फिर उसमें उनको टच के लिए बहुत सारे डॉट्स हैं, कई बार हम कुछ फिगर्स हैं फ्लैग बनाते हैं कि जाओ इसमें कलर करके लाना, इस फिगर को पहचानो, इसमें फिश बनाइए, फिश पर आप ब्रेल से ही हम बना देते हैं, इस पर एक हमने फिगर बनाया है और आप इस पर कलर करके लाना, ये आपका होमवर्क है। फिर धीरे धीरे वो टच भी हम उसमें डेवलप करने के लिए पेरेंट्स को भी हम गाइड करते हैं कि आप इसमें आज बच्चे ये आप इंडेक्स फिंगर को लेकर के उसमें मूव करवाना, ये वाली एक्टिविटी आप जरूर करवाना। वो पेपर हम देखकर समझ जाते हैं नेक्स्ट डे कि उसमें अगर उन्होंने पढ़ाई करवाई है तो वो रफ और दबे हुए हमें पता चल जाते कि हाँ इसमें काम हुआ है, यदि पेरेंट्स ने नहीं देखा तो वो बुक वैसी की वैसी फ्रेश वापस आ जाती है। सो वी कैन प्रोग्रेस ऑन टू बुक्स फर्दर, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, द चाइल्ड कैन बी टॉट what is the top of a book, what is the bottom of a book, it is having pins or not, how the book is, whether it's lightweight or whether it's heavyweight, what is the texture of a book like, whether it's soft, whether it is soft or whether it is harsh, the texture of the book can also be felt. And the child can also, we can also develop the concept of seedha and ulta, what is the front of the book and what is the back of the book, and then we can make the child to turn the pages like this, and we can make the child to count how many pages are there present in the book, which is also developing or strengthening his number concept. And in order to recognize the front of the book, we can provide a tactile marker like this into onto the front of the book, so that the child is able to know from where the book is being started or where the book is starting. And this is a kind of simple homemade material which is used. This is a bindi which can be used. So it's not very, it's not like you have to be take very expensive items or very expensive articles in order to teach a child or in order to strengthen his tactile sense. We can use simple homemade materials also. For example, we can make the child, make the mother to make certain braille books like this, small braille books, to have the concept of, concept of the braille dot simultaneously into the home itself also. Because it's very the child also develops certain concept, like his brother or his sister is reading a book and why he can't. So we can develop certain small books like braille books into the school or into the home itself, so that the child can hold that. And simultaneously, we can provide the braille dots into these braille books, so that the child is able to or strengthen his tactile senses. Like we can provide braille dots or braille lines, long braille lines, short braille lines, or lines having a break in between. In this way, we can develop the concept of a book. What is a top of a book, what is the bottom of a book, having pins, lightweight, heavyweight, texture of a book, how many pages are present in a book, and front and back of a book. To repeat again, to make the child aware of the front of a book, we can provide a tactile marker in front so that the child is able to know that the book is being started from here. So these are certain things which we can incorporate into the child daily routines. Or ma'am, in sab mein बात मेन है कि बच्चे के साथ पॉजिटिवली टीचर का और पेरेंट्स का रोल बहुत जरूरी है। मदर फादर दोनों ही बच्चे के साथ पॉजिटिवली कि अच्छा बेटा आपने ऐसा किया था, आज स्कूल में ये काम किया था, चलो आज हम भी ये वाला काम इस तरह से करते हैं। यदि बच्चा हमसे भी एक कदम आगे बढ़कर आता है हमें बहुत खुशी होती है, हम उसे और चार कदम आगे लेकर जाना चाहते हैं कि वो जितने अच्छे से जितने अच्छे हेल्दी एटमोसफेयर में उस काम को कर ले वो बहुत अच्छा होगा। आगे मैं आपको बतलाती हूँ कि ब्रेल पढ़ते समय हमारे हाथ और उंगलियों की को हम किस पोजीशन में रखेंगे। ब्रेल रीडिंग का एक मुख्य रोल है ये कि ब्रेल बच्चे को ब्रेल पढ़ना सिखलाना है। तो बच्चे को ब्रेल पढ़ना सिखलाना है तो हमारे फिंगर्स में जो है ये पोर्स होते हैं, पोर्स में हमारे कुछ ऐसे सेंसिटिव नर्व्स हैं जो कि हमें बहुत जल्दी एहसास करा देते हैं कि ये क्या
टेक्सचर की ये क्या गर्म क्या ठंडा है, इसी तरह से वो टेक्सचर भी महसूस हमें बहुत जल्दी हो जाता है कि आज वो रफ है या स्मूथ है। हमारे जरा से भी किसी पेपर पे या किसी लाइन पे रफ हो जाने से हमें तुरंत महसूस होता है। इसी तरह से इन बच्चों को भी हमें एहसास कराना है कि हमारे जो ये फिंगर टिप है, ये बोर्ड्स हैं, अब हम इनका यूज किस तरह से करेंगे। तो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाना है कि हमें ब्रेल शीट पर उस पेपर पर हमें हाथ इस तरह से रखनी है, इंडेक्स फिंगर, और अब हमें रीड करना है। तो रीड करना जब है पेपर पे, तो हल्का सा हमें प्रेशर बनाना है और फिर उसको हमको आगे बढ़ाना है। वही बात है कि यहाँ पर ब्रेल डॉट्स जो हैं हमारे 6 मिलीमीटर जो है लंबाई में है और 3.6 मिलीमीटर चौड़ाई में, जो कि हमारे फिंगर टिप में आसानी से इतने ही बड़े एरिया में आ जाते हैं। लेकिन बकायदा हमें सिर्फ 1 by 1 एक ही डॉट पर, बकायदा एक डॉट पर आराम से ऐसा हाथ रखकर आगे बढ़ना है। ये हमारी फिंगर इतना सा महसूस करे कि यहाँ पर कुछ है, फिर उसके बाद हमें धीरे से अगली डॉट की ओर आना है कि अब यहाँ भी कुछ है, धीरे से नीचे हाथ लाना है कि यहाँ पर भी अब उसके नीचे भी कुछ है। तो इसको महसूस करने के लिए बहुत हल्का सा दबाव देना है और ब्रेल अक्षरों को महसूस करना है। ये जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं ब्रेल के, इनको तब हम पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल रीडिंग करने के लिए हमें अपने फिंगर्स और हैंड दोनों का मूवमेंट बकायदा बनाए रखना है, तभी हम ब्रेल लाइन जो हमारी है। So in order to read and write braille, it is very important to have a perfect movement of your fingers as well as your hands, like ma'am is showing. तभी हम ये जो अपनी proper braille line है, इसको हम पूरा कर सकेंगे बगैर किसी गलती के, mistakes के। तो इसके लिए हमारे हाथों की बहुत अच्छी activity होनी चाहिए। इसके लिए भी हम बच्चों को नीचे जमीन में कुछ डाल करके, sound वाली चीजें, ढक्कन डाल करके, pens वगैरह डाल करके, बारीक छोटी चीजें डाल करके बकायदा activity करवाते हैं, clockwise और anti clockwise दोनों हाथों की हमारी इस तरह से मूवमेंट होती है वहां नीचे ढूंढने की। तो वही एक्टिविटी यहाँ पर वो बहुत काम आती है कि हम किस तरह से फिंगर्स की मूवमेंट करेंगे और बकायदा एक एक डॉट को हम आसानी से पहचान पाएंगे। तो इसके लिए भी थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। So it is very important to have a perfect movement of your fingers as well as your hands in order to read braille dots. We can use our index fingers or both the hands, and we can progress onto the onto the right hand in order to read the braille further. And we do not have to. We make the child to know that we do not have to press the braille dots too harsh, otherwise they will be damaged. Or we do not have to provide the harsh receptors to the child, otherwise their tactile receptors will be damaged. Plus the parent involvement is very must in teaching the braille to the visually impaired child, and the commitment of the professional, which is spending the time with the child. Now it's time for a short break. See you after a short break.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा था कि हम बच्चे को बुक का कंसेप्ट सिखा रहे थे, लाइक वी हैव टू टीच अ चाइल्ड अबाउट द टॉप ऑफ अ बुक, बॉटम ऑफ अ बुक, फ्रंट ऑफ अ बुक, बैक ऑफ अ बुक, प्लस हैविंग पिंस विच कैन बी टैक्टाइल एक्सपीरियंस्ड। एंड इन ऑर्डर टू टीच द चाइल्ड अबाउट फ्रंट ऑफ द बुक और द बैक ऑफ द बुक, वी कैन सिंपली प्रोवाइड अ टैक्टाइल मार्कर इन फ्रंट पेज सो दैट द चाइल्ड इज एबल टू नो फ्रॉम वेयर द बुक इज बीइंग स्टार्टिंग। प्लस साइमल्टेनियसली बाय टीचिंग दिस कंसेप्ट वी कैन मेक द चाइल्ड टू काउंट द पेजेस। वाइल काउंटिंग द पेजेस दिस नंबर कंसेप्ट इज ऑल्सो बीइंग डेवलपिंग। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पोजिशन ऑफ द हैंड्स एंड दैट वेल एज ऑफ द फिंगर्स इन ऑर्डर टू रीड अ ब्रेल डॉट्स। इन ऑर्डर टू रीड ब्रेल डॉट्स बोथ ऑफ द हैंड्स शुड बी यूज साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स फिंगर द चाइल्ड read the braille, and these braille dots should not be pressed very harder, otherwise these dots will be damaged. And for teaching the concept of a book, we can also devise certain small books into the home itself or into the school itself, which can the concept can provide by the teacher as well as the mother at home and in the school. And simultaneously we can provide certain braille dots into these braille books so that the child is able to develop the concept of six dot more clearly. We can provide the large lines, we can provide small lines, or we can provide the lines having frequent breaks in between. So simultaneously with the concept of book developing, we can also have the concept of the different braille dots or the concept of the six braille dot system which is developing into the child, or the concept is developing into the child. Along with this, the parent involvement is very must. The parents should be involved in the activities which the child is being doing, and also the commitment of the professional which is spending more and more time with the child. So it is very important to incorporate the child's activities into his daily routines. For example, for teaching the directionality concept, we can incorporate the concept of directionality into assembly timings. For example, we can provide instruction to the child while holding his you can provide instruction to the child like hold your friend's left hand, or hold your friend right hand, or move up your right hand, etc. Or while moving up onto a staircase, we can provide the concept of directionality. We can also incorporate, therefore we can incorporate the directionality concept or different concept which is required for reading and writing the braille into the child's daily routines. It will provide a more successful intervention for a visually impaired child. तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कि हम ब्रेल रीडिंग और राइटिंग में जो टीचिंग एज है उसमें हम और क्या देखेंगे। इसमें आगे ये बात है कि जब हम बच्चे को ब्रेल रीडिंग सिखलाते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी फिंगर्स फैला लेते हैं और फिंगर की एक्टिविटी में जो वो सही तरीके से नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए हमें उनको बकायदा सिखलाना होगा। टीचर्स उन्हें बार बार हिंट देती रहें, गाइडेंस देती रहें कि वो ठीक से उंगलियां करें, नहीं तो वो उंगलियां फैला लेते हैं या इस पर प्रेशर डालते हैं जिससे कि डॉट जो है वो दब जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं और उनकी भी प्रॉपर जो है रीडिंग प्रोसेस नहीं हो पाती है ठीक से। तो जो है रीडिंग को प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से बच्चे को समझाना है कि डॉट को सिर्फ छूना है, टच करना है, दबाना और रगड़ना नहीं है। और दोनों हाथों की हमारी इंडेक्स फिंगर है बकायदा साथ में मूवमेंट करनी चाहिए उस जगह पर। दोनों हाथों को हम साथ में लेकर जब चलेंगे तभी हम प्रॉपर ब्रेल रीडिंग कर पाएंगे। इसके लिए वही बात है कि हमें राइट हैंड ऐसा आगे बढ़ाता हुआ फिर उसके पीछे लेफ्ट हैंड, राइट के पीछे लेफ्ट हैंड, इस तरह से लेते हुए आना है। और फिर वापस जब हमें लाइन चेंज करनी है तो राइट हैंड यहाँ खत्म हो गया, लेफ्ट हैंड फिर हमारा पीछे जाएगा और फिर वो लेफ्ट हैंड नीचे आएगा और इस तरह से राइट हैंड की फिंगर फिर से स्टार्ट करेगी लेफ्ट हैंड के नीचे, फिर राइट हैंड आगे बढ़ेगा और यहाँ से हम ब्रेल रीडिंग स्टार्ट करते जाएंगे, अगली लाइन में हम वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से पहले लेफ्ट हैंड रखकर राइट हैंड रख के और फिर राइट हैंड आगे बढ़ता जाएगा और दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर साथ में मूव करेगी। जब बच्चे को हम स्टार्टिंग में ब्रेल सिखलाते हैं तो सपोर्ट देने के लिए हम सारे फिंगर्स खासकर फोर फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों को ले सकते हैं। इस तरह से हम सारे फिंगर्स उसमें रख सकते हैं जो कि बच्चे को सपोर्ट करता है कि आगे और पीछे क्या है, कितनी डॉट छूट गए हैं, कितनी लाइन बने हुए हैं, कहाँ पर डैश आ रही है, कहाँ कॉलम आ रही है, ये सब पता चलेगा। इसी तरह से बच्चे को हमें पहले वो बच्चा पूरा पेपर पे हाथ फेर के देख लेगा कि यहाँ से सेंटेंस कितना बड़ा, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो कितने बड़ा है। तो हमने बच्चे को पहले सेंटेंस, फिर वर्ड और फिर उसके बाद में एक लेटर में हम लेकर आए हैं,
एक बड़ा वाक्य लेकर आए, फिर अक्षर और एक शब्द लेकर आए हैं, तो वहां से हम बच्चे को ये वाली विधि जो सिखलाते हैं, वाक्य शब्द और अक्षरों वाली, ये बच्चे को बहुत जल्दी से पढ़ने की ओर आगे बढ़ाकर लेकर आएगी। लेकिन मैम जैसे आपने बोला था कि तीन डिफरेंट टाइप्स की ग्रेड्स होते हैं ब्रेल यस में, ग्रेड 1, 2 एंड 3। तो ग्रेड 1 में आपने बताया कि हम जैसे एग्जाम्पल म ह ल, लेकिन अभी आपने बोला कि हम सेंटेंस टू वर्ड टू लेटर जाएंगे। यस वो तो हमारा स्टार्टिंग की बात हो गई थी, जब हम जस्ट बच्चों को ब्रेल सिखलाते हैं, वहां से बच्चा आ जाने के बाद वो बात तो उसको काफी पीछे चली गई, और बच्चा पढ़ने के लिए अपना फर्स्ट सेकंड क्लास में बुक रीडिंग के लिए क्वेश्चन लिखा है, तो उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए उसने फटाक से पूरा हाथ फेरा कि मुझे कहाँ तक जाना है और कितना बड़ा आंसर मैं लिख पाऊंगी या लिख पाऊंगा, तो फटाक से उसने हाथ फेर कर उस लाइन की लंबाई पता कर ली कि ब्रेल में ये वाला यहाँ 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 क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ जाकर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, मुझे यहाँ तक पूरा फिनिश करना है, तो उसको ये पता चल गया अब मेरा अक्षर कहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, फटाक से उसका हाथ यहाँ पर आ जाता है कि मेरा जो अक्षर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जाकर खत्म हो रहा है पे खत्म हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो फट से हाथ लेकर वो यहाँ आया और फिर यहाँ ब्रेल रीडिंग में यहाँ पर हाथ आ गया उसका, इस तरह से उसने फटाक से लाइन देख ली। इसी तरह से हम बच्चों को क्लास में, जब वही छोटी क्लास है, हम छोटी सी कविताओं से कोई भी बात की लंबाई से हम उसे बताते कि ये वाली लाइन यहाँ खत्म हो रही है, तो शुरुआत में और एंड में हम बातों का जो पूरा प्रेशर देते हैं हम उसे छोड़ नहीं देते कि मैंने बात खत्म की, ऐसा हो गया, ऐसा करके मैंने बात खत्म नहीं की, मैंने उसे आखिरी तक पूरा जोड़ दिया कि मैं अपनी बात यहाँ खत्म कर रही हूँ, तो यहाँ जो हमने प्रेशर दिया जस्ट वही बात जो है उसके क्वेश्चन में भी आनी चाहिए, वही हमारा बोलना इतना स्पष्ट क्लियर हो कि उसे पता चल जाए कि उसकी लाइन की लंबाई कितनी है, क्योंकि ब्रेल लिखने में वो काफी लंबा भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमको जैसे छोटी सी कविता की लाइन है उससे हम बच्चों को जैसे बतला सकते कि बच्चों बजाओ ताली, बच्चों बजाओ ताली, क्यों बैठे हो खाली, बच्चों बजाओ ताली, तो इससे हमने बच्चों को एक एक्टिविटी के लिए लेकर आया और उन्हें पता चला कि लाइन की लंबाई कितनी बड़ी थी, फिर ऊपर बजाओ ताली, नीचे बजाओ ताली, दाएं बजाओ ताली, बाएं बजाओ ताली, फिर हम बच्चे का एवरी बच्चे का नाम लेकर के प्रीति बजाओ ताली, शिवानी बजाओ ताली, तो बच्चा इनकरेज होता है कि मेरा भी नाम इस पोयम में इंक्लूड हुआ और अच्छा तो मैं भी इसे अब लिखना चाहूंगी, लिखना लिखकर बतलाऊंगी, तो बच्चे जो हैं इन सबको लिखना पढ़ने के लिए वो अब उनकी मेंटल ये आने लगी है, एबल होने लगी कि अब हमें लिखना भी, मैम जो हमें बोलकर बता रही हैं वो यहाँ लिखा भी है, मैं इसे पढ़ भी लूँ और मैं इसे लिख भी लूँ, तो ये लिखने से पहले कि हमारे दिमाग में प्रिपरेशन आने लगती है, वही है कि हम उन्हें फ्लैश कार्ड मतलब बनाकर दिखाते हैं कि ये पी लिखा है, इससे आपका नाम बनेगा प्रीति बनेगा, इससे आपका नाम ये यू लिखा है तो इससे किसका नाम बनेगा, ये एम लिखा है तो इससे किसका नाम बनेगा, मेरा नाम कैसे बनेगा, आर फॉर रिचा मैम कैसे बनेगा, तो आर फॉर क्लास में और कौन कौन है, आर फॉर क्या क्या काम होते हैं, तो ये सारी बातें हम बच्चे को उससे कोरिलेट करते जाएंगे और उन्हें बताएंगे। जैसे कि हमें एक अक्षर लिखना है, अब जब हम उन्हें अक्षर लिखना सिखलाएंगे तो हम उन्हें सिखलाएंगे कि चलो हम लिखते हैं एक या हम लिखते हैं आम, तो आम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आ लिखेंगे और मा लिखेंगे, दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर आम बनाएंगे। शहद लिखना है तो हम लिखेंगे शहद, शहद तीन अक्षर लिखेंगे, फिर उनको कोलेट बनाकर हम वो लिखेंगे शहद, वो शहद भी बना है, तो इस तरह से हम अक्षरों को जोड़ करके एक शब्द बना रहे हैं, तो उनके लिए वही फ्लैश कार्ड वगैरह जो है वो हम बनाते हैं। इस तरह से हमने फ्लैश कार्ड बनाए हैं, जैसे ये एक हमने लिखा है कमल, कमल लिखने के लिए हमने अलग अलग, ये मैं आपको प्रिंट में बतला रही हूँ, मैंने लिखा क म और ल लिखा, अब मैं इसका यूज कई तरह से बच्चों को करके दिखा सकती हूँ कि अगर मैं इसे ल हटा दूंगी तो हमने इसे कम भी कर दिया, और यदि मैं इसमें क में ला लगा देती हूँ तो ये कल भी बन जाएगा, तो ये ब्रेल जो है रीडिंग राइटिंग से वो रीडिंग की ओर आता है, तो इस तरह से हमने कमल का यूज क और ल लगा दिया पहले तो कलम बन गया, किस तरह से हमने टू लेटर थ्री लेटर के जोड़ से हमने अक्षरों को बनाना और हटाना सीखा और किस तरह से हम इसे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो इस तरह से हमने ब्रेल लिखने और पढ़ने की तैयारी कर ली। अब हम इसके बाद बात करते हैं आगे ब्रेल लिखने की, कि ब्रेल कैसे लिखी जाएगी।
ब्रेल लिखने के लिए जिस सामान की हमें जिस साधन की जरूरत है उसमें ब्रेल स्लेट मुख्य है। ब्रेल स्लेट के साथ में हमें चाहिए स्टाइलस, स्टाइलस मुख्य है। तो ब्रेल स्लेट जो है हम दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। ये एक फ्रेम है, इस पर हम एक पेपर आसानी से रख सकते हैं। बच्चों को पेपर लगाना भी हम सिखलाते हैं, जिसमें कि इस पेपर का रफ हिस्सा जो है वो हम पीछे की तरफ रखते हैं, अपने ऊपर की तरफ रखते हैं, और स्मूथ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ। बच्चे कई बार इसको गलत तरीके से चौड़ा हिस्सा जो है वो लगा देते हैं, तो वो भी हम बच्चों को बताते हैं कि नहीं, हमारा बड़ा पेपर जो है स्लेट के पूरे हिस्से में आ जाएगा और थोड़ा सा मार्जिन वाला हिस्सा ही बाहर निकला रहेगा। ये लगाकर हम बकायदा ब्रेल स्लेट में पेपर लगाते हैं। और ये जो हमारा फ्रेम है ये सिंपल सिंगल फ्रेम है, इसमें 6 डॉट जो है वो अंदर की तरफ बने हुए हैं। और फिर हम पेपर इसमें लगा करके इस पेपर को बकायदा बच्चों को हम एक साउंड से परिचित कराते हैं कि हम जब इसे लगाएंगे तो ये इस तरह से लॉक होगा, ये 4 बार यहाँ से लॉक हो जाएगा, तो हमारा पेपर अब हिलेगा नहीं, अब हमारा पेपर बाहर निकलेगा नहीं, अब चाहे हम इसे कितना भी काम कर लें। और यदि हमें बीच में कहीं जाना है, छोड़ना है, तो हम इसे छोड़कर बकायदा स्टाइलस ऐसा लगाकर वहां पर छोड़कर भी जा सकते हैं, एक मिनट को गैप ले सकते हैं। तो अब हमने जो इनका पेपर है इसे हमने लॉक करके लगा दिया, और हम अब स्टाइलस से पेपर पर कुछ उभार बनाते हैं। तो पेपर पे जो निशान आते हैं वो स्टाइलस को वही है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ले जाते हुए लगाना होता है। तो बच्चों को हम स्टार्टिंग में यही देते हैं, उनकी सुविधा के अनुसार हमारे पास छोटी छोटी ब्रेल स्लेट हैं वो भी देते हैं। पहले तो बच्चे कहीं भी डॉट लगाते हैं, लेकिन उस पर भी हम यही ध्यान देते हैं कि स्टाइलस की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। बच्चा स्टाइलस को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा पकड़ेगा, वर्टिकल शेप में पकड़ेगा, यदि वो तिरछा पकड़ता है तो पेपर फट जाते हैं और बच्चे के हाथ में भी यहाँ पेन होगा, उसे तकलीफ होगी, तो वो जितना स्मूथली उसे आराम से पकड़कर आसानी से पकड़ करके उसमें ब्रेल डॉट फिक्स करने हैं। तो ये जो पेपर है इसको फिर जब हम लिख लेते हैं तो हम इसे निकालकर आसानी से पलटकर यहाँ पढ़ सकते हैं। इस स्लेट में ये भी खास बात है कि पेपर लॉक है, हिलेगा नहीं, तो यदि हमारी कहीं मिस्टेक हुई है हम उठाकर उसे चेक कर सकते हैं और उस मिस्टेक को नाखून से या स्टाइलस की मदद से मिटा करके, और फिर हम उसे फिर से, बच्चों में इतनी समझ आ जाती है कि वो बड़ी आसानी से इस काम को कर लेते हैं। इस स्लेट में एक बार में जो है 27 लाइन लिखी जा सकती हैं, तो आसानी से वो काफी बड़े क्वेश्चन आंसर सभी कुछ आसानी से लिख लेते हैं। फिर जो डॉट उभर कर आए हैं उन्हें बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं। आजकल जो है इसके छोटे छोटे पॉकेट फ्रेम भी आते हैं, छोटे छोटे सी ब्रेल स्लेट्स भी आती हैं, जिन्हें कि ब्लाइंड पर्सन अपने पॉकेट में या फिर अपने पर्स में ले जा सकते हैं और अपना कोई इमरजेंसी का काम है वो कर सकते हैं। तो ब्रेल स्लेट और स्टाइलस का यूज करने के लिए हमारी वही मस्कुलर्स जो है, हमारी मांसपेशियां जो है, हमारे हाथ है वो काम करने के लिए एक्टिव होने चाहिए। और हाथ की ये काम थोड़ा सा कठिन तो है, इसीलिए हम बच्चों को, मैंने आपको बताया इतनी सारी जो कोशिशें हैं बच्चों के साथ उसको पॉजिटिव वे में ब्रेल लिखने के लिए है। स्टार्टिंग में हाथ में भी हल्का सा दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद में बच्चों को रीडिंग भी हमें बहुत देना जरूरी है, तो स्कूल के दूसरे साल में हम ब्रेल राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देते हैं। हमने आपको यही बताया कि स्कूल के दूसरे साल में जो है अब हम ब्रेल लिखना स्टार्ट जब कर रहे हैं, तो ब्रेल स्लेट में जो हमने राइट हैंड से या हमारे हाथ में कन्वीनियंटली बच्चों को राइट आइदर लेफ्ट हैंड जिसे भी वो यूज करना चाहे इजीली कर सकते हैं। और ब्रेल लिखने के लिए एक बात बहुत जरूरी है, जब हम इस हाथ से लिख रहे हैं राइट हैंड से स्टाइलस को इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल पोजिशन में पकड़कर, तो हमारे लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, वो उसका टच जो है स्टाइलस की स्पिन से जरूर होना चाहिए, स्टाइलस की एक नोक से जरूर होना चाहिए कि हमारा स्टाइलस कहां पर मूव कर रहा है, और बकायदा हम उसे यहां पर मूव करेंगे। स्टाइलस को के साथ साथ ही हमारी फिंगर का मूवमेंट होगा कि हमने यहां पर कब डैश बनाया, कब यहां पर हमने कॉमा लगा लिया, यहां पर नंबर साइन दिया, या यहां पर ब्रेल का कौन सा सिंबल या ब्रेल का कौन सा अक्षर यहां पर हमने एंड किया उसको हम लिखेंगे।
यहाँ पर बच्चे यही बात है कि बच्चे जो है अपने सुविधा अनुसार अपना राइट या लेफ्ट हैंड लिखने के लिए ले सकते हैं। वैसे बच्चों को हम मोस्टली कोशिश करते कि वो राइट हैंड से कोशिश करें, लेकिन यदि उन्हें किसी बात से परेशानी है, बच्चे कमजोर होते हैं, वीक होते हैं जो वो, या कुछ बच्चे जो है उन्हें लेफ्ट हैंड से लिखने में ही आसानी लगती है, तो हम उन्हें वो काम भी आसानी से करने देते हैं कि वो लेफ्ट हैंड से भी लिखने को चूज कर सके। जब स्टाइलस एक सेल में होता है, वही बात है, इस बात को बार बार ध्यान रखना है, तो अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को बकायदा उसके साथ साथ ही मूवमेंट देनी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द विजुअली इम्पेयर चाइल्ड टू टीच हाउ द पेपर शुड बी इंसर्टेड इनटू अ ब्रेल स्लेट। लाइक आई विल शो यू अगेन, दिस इज अ ब्रेल स्लेट एंड दिस इज अ स्टाइलस and this is a braille paper. The braille paper usually it has two sides, a smooth side as well as a rough side. We have to teach a visually impaired child that he has to insert the braille paper from to the rough side, so that if the braille print comes and he has to turn the paper, so that he'll be reading onto the smooth side. That will be more easy for his tactile receptors because the paper is smooth and the texture is smooth, so that his tactile receptors will not be damaged. For example, we have placed the braille paper into the braille slate like this, and we have to teach a child that he has to lock the braille slate so that his paper does not move out. And while locking the braille slate, there will be a sound produced so that the child is able to recognize that the braille slate has been locked and the paper is inside the braille slate, it can't be moved out. And the correct position in order to punch the dots into a braille slate is holding the stylus like this and placing your forearm onto the braille slate like this. It's very important to hold the stylus correctly, otherwise the dots will be punched wrongly, because as it's seen that visually impaired child, there are many deviations into the visually impaired child while holding the stylus. So it is very important to teach a visually impaired child how to hold the stylus. The correct position of holding a stylus is like this and placing your forearm onto the braille slate, and then the child has to punch the braille dots with the help of a stylus onto the braille paper. Now this is a standard braille slate with the stylus. Then we can progress on to reading the braille. For this we can provide different like words to the child. We have to provide the words first in isolation and then in together combination. For example, humne kamal ka example diya tha, jaise first we can provide ka, ma and la. जैसे मैम ने हमें प्रिंट में एग्जाम्पल दिया था कमल का, तो हम उसको आइसोलेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट क, देन म एंड देन ल, एंड देन द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस ऑन टू द टोटल कमल, और वी कैन रिमूव द ल फ्रॉम कमल एंड द चाइल्ड हैज टू रिकॉग्नाइज दैट ओके इट इज क एंड म, सो इट इज कम. And also we have to make the child to understand the length of a question or the length of a sentence, where the full stop is being and where the question mark is being. So before attempting or writing a question into a braille or an answer into a braille, the child first has to recognize the question. Okay, this is the length of a question, it's ending here with the help of a question mark, and I have to next progress onto the second line and I have to write the answer. And also it's very important to make the child to read the braille dots. In this we have to take care of the position of our hands and fingers. We have to use both our hands, like the left hand as well as the right hand. The right hand will progress and the left hand will follow our right hand. So this is the main motion of the hands, that left hand should be in the starting position and the right hand after that, and the right hand follows or progresses and the left hand it follows the right hand. And after the line is being ending, the left hand should move again back to the starting of this line, and from the starting of this line it has to be move on to the second line, so that it gives a prior indication to a right hand that okay, the line is being ended and I have to move on to the second line. So it is very important to teach a visually impaired child about the direction of the hands as well as the fingers in order to read the braille dots. So braille dots is punched with the help of a braille slate or a stylus. Ma'am, apart from braille slate or stylus, kya kuch aur bhi tarike hain jinse hum braille dots punch kar sakte hain? नहीं मैम, हाँ हम उसे सिर्फ उसे पैक बोर्ड में ही दिखला सकते हैं, वैसे हैं आजकल कंप्यूटर में हैं, लेकिन मेन तो यही है, बच्चा अपने हाथ से ही खुद जब करना सीखेगा तभी वो सेल्फ कहीं भी इसे ले जा सकता है. सेकंड थिंग ब्रेलर है,
ब्रेलर के द्वारा भी हम बच्चों को बहुत आसानी से सिखला सकते हैं। यदि बच्चों में कोई फिजिकली प्रॉब्लम होती है या फिंगर्स में वो प्रेशर नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ब्रेलर बहुत अच्छी चीज है। उसमें भी बच्चे रीडिंग और राइटिंग आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये अब ब्रेल कैसे लिखना है, ब्रेल लिखने की स्टार्टिंग जो हमारी प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टैग बोर्ड विथ 6 डॉट है। इसमें मैं आपको ब्रेल का एक बड़ा रूप है जिसको कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो बच्ची को हम जो है सबसे पहले वही बात है कि यहाँ से हम उनको स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को स्टाइलस की पोजीशन वगैरह सभी सिखला करके, नहीं तो स्टाइलस जो है हम गलत तरीके से पेपर पे रखेंगे, तिरछा रखेंगे तो पेपर हमारा फटता है और हम रीडिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो स्टाइलस को हम वर्टिकल पोजीशन में रख करके आगे पेपर को हम इतना अच्छा तैयार करते हैं कि वो हमारे लिए रीडिंग के लिए बहुत आसान होता है। उसके साथ ही साथ हम इस तरह से पेपर पर बिंदी लगाकर, तो कई तरह से हम फिगर्स बनाकर बच्चे को उनको पूछते हैं कि बेटा अब इसमें कौन सा डॉट नहीं है, यहाँ पर अब कौन सा डॉट मिस है ये बतलाओ। तो उसकी भी हम एक प्रोसेस यहाँ पर देते हैं इसमें ब्रेल लिखने के लिए। जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कोई डॉट मिस कर दिया और बच्चों से हम पूछने की बेटा अब ये बताओ बच्चे से कि यहाँ पर अब कौन सा डॉट नहीं लगा है, पहले कौन सा नहीं लगा है वो पूछा जाता है। तो वो यहाँ धीरे धीरे बतलाता है कि मैम यहाँ पर ये वाला डॉट नहीं लगा है, ये लगा है डॉट। तो वो हम उनसे बताते कि अच्छा ये फिर किस चीज का किसका डॉट बना, उसको कोरिलेट करते हैं। इसी तरह से बच्चों को हम इसमें सिखलाते हैं कि चलो आज हम जब हम ब्रेल लिखना सिखलाएंगे तो चलो आज हम वन वन डॉट ही लगाएंगे पेपर पे। तो वो ब्रेल से इस तरह से पंच करते हैं बच्चे और ये उन्होंने वन वन डॉट लगाई। ये बच्चों ने यहाँ पर ये लिखने का तरीका, जब हम ब्रेल लिखते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर हमने वन डॉट लगाई इस तरह से। और जब हमारा रीडिंग का आता है तो हम फिर लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं। तो ये तो हमने ब्रेल लिखने का जो प्रोसेस है वो किया कि ब्रेल हमने लिखने सिखलाई, तो राइट साइड से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से हमने ब्रेल लिखा है। तो उन्होंने यहाँ पर वन लिखा, किसी फिर हम नेक्स्ट टाइम चलो आज हम वन टू लगाते हैं डॉट, तो ये लगाया यहाँ पर। अब फिर ब्रेल रीडिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो उनको इस तरह से हाथ रखकर हम ब्रेल रीड करवाएंगे। सेकेंड डे हम उनको, या सेकेंड टाइम में हम उनको स्टार्ट करवाते हैं एंड हमको चलो अब लगाना है पूरे 6 डॉट को ही कवर करना है पेपर पर। 6 डॉट कैसे लगाया जाता है, तो 1 2 3 देन 4 5 एंड 6, ये हमारे डॉट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ब्रेल लिखने के वक्त काम आते हैं, ब्रेल रीडिंग के वक्त इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। ब्रेल राइटिंग जब हमें करनी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ब्रेल रीडिंग के लिए हम बोर्ड को इस तरफ से इस्तेमाल करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड से। तो फिर हम बच्चों को लगवाते हैं, जब ये इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम उन्हें लिखने के लिए कहते हैं कि आप सिर्फ आज लिखेंगे डॉट नंबर 1 2 4 एंड 5, डॉट नंबर 1 2 4 एंड 5 नंबर की डॉट लगवाने की प्रैक्टिस देते हैं। जब ये अच्छी तरह से आ जाती हैं तब हम बच्चों को लोअर लाइन, अपर लाइन उनकी छोड़ देते हैं और लोअर लाइन की प्रैक्टिस उन्हें करवाते हैं डॉट नंबर 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। ये कोई एक दिन में नहीं, 2 दिन में सीखना नहीं होता, इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगता है और बच्चों को हम डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस जरूर से करवाते ही जाते हैं। इस तरह से हम अपर लाइन और लोअर लाइन का बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं। अपर लाइन में वही है डॉट 1 2 4 एंड 5 एंड लोअर लाइन में डॉट 2 3 5 एंड 6, इसकी हम प्रैक्टिस देते हैं। इसके अलावा बच्चों को हम सिर्फ कॉर्नर्स में, तो 1 3 4 एंड 6, ये इसको देने के बाद में फिर नेक्स्ट हम देते हैं इसके साथ अगले डॉट देते हैं डॉट 1 3 4 एंड 6, फिर दिया जाता है डॉट 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। इसी तरह से फिर 3 4 5 6, डॉट नंबर 3 4 5 एंड 6,
ये सभी हम प्रैक्टिस बच्चों को डे बाय डे पेपर में डेली करवाते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग करवाते हैं, अपर लाइन लोअर लाइन, फिर इंग्लिश के जो अक्षर जो हैं बनते हैं सेम, तो इस तरह से पी बनता है, अपोजिट साइड से डायरेक्शन से हिंदी में थ बनता है, तो जो जिन अक्षरों का रिपीटेशन होता है उनको बार बार करते हैं, डी एफ एच जे आई और ई, ये सब इनकी हम बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। ये काफी कुछ देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें डॉट का फर्क होता है, कोई डॉट कहीं से, कोई डॉट नंबर टू से तो कोई वन से स्टार्ट होते हैं, इनकी प्रैक्टिस देनी हमको बहुत जरूरी है। मैम ये जो आपने पैटर्न्स बताए ये पेक्स लगाने के, हर बच्चे के साथ क्या यही पैटर्न फॉलो करना है? हाँ जी, मोस्टली हम बच्चों के साथ जब ब्रेल राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम यही, क्लास का हमारा सिलेबस है, हम इसे ही स्टार्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी है इसे देना, इससे बच्चों के दिमाग में एक्चुअली सिक्स डॉट की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी बहुत जरूरी है। सिक्स डॉट की कॉन्सेप्ट को ही हमको क्लियर करने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस दी जाती है कि एवरी डॉट का विथ नेम, हम कभी भी गलती से भी वो डॉट वहां फिक्स ना कर दें तो हमारे स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स हो जाएंगे, ब्रेल में बहुत हम मिस्टेक कर देंगे, प्रॉपर हम इसको फिक्स करेंगे तो हमारी प्रॉपर ब्रेल आएगी, उतनी ही क्लियर और साफ ब्रेल आएगी लिखने में। तो मैम एक बार आप हमारे दर्शकों को एक बार और रिपीट कर देंगे ये पैटर्न जो आपने बताया? यस मैम, स्टार्टिंग में हम मिसिंग डॉट से करते हैं, रिमूव, अच्छा यस मैम, मैं से एक मिनट रिमूव करके, ये हमारा फर्स्ट कोना है, मैं आपको अब इसमें रीडिंग पर्पज से बताई, ये मैंने राइटिंग के लिए बताया था, मैं आपको रीडिंग के पर्पज से मैं आपको यहाँ से दिखलाती हूँ लेफ्ट साइड से, कि जब हमें मिसिंग डॉट हमें शो करनी होती है तो हम यहाँ से कोई डॉट मिस कर देंगे। अब ये वाला फ्रेम देखिए और इसमें हम बच्चों को पूछते बेटा ये इसमें से कौन कौन से डॉट लगे हैं जरा पढ़कर बताओ, तो वो बकायदा बताएगा वन लगा है, टू लगा है, थ्री नहीं लगा, थ्री का सेल खाली लग रहा है थ्री का, और फोर लगा है, फाइव लगा है एंड सिक्स लगा है, तो इससे पता चला कि डॉट थ्री जो है यहाँ पर मिस है। इसी तरह से हमने यहाँ पर पूछा आप कौन सा डॉट मिस है, तो वो बताएगा कि यहाँ पर वन के नीचे वाला यानी डॉट नंबर टू मिस है, यहाँ पर वन के नीचे वाला डॉट नहीं है तो यानी डॉट नंबर टू मिस है। यहाँ पर कौन कौन से डॉट लगे हैं ये हम पूछ सकते हैं, मैम यहाँ पर डॉट नंबर वन लगा हुआ है, वन के नीचे टू खाली है, थ्री खाली है, फोर लगा हुआ है और फाइव और सिक्स भी खाली, इसका मतलब वन और फोर नंबर के डॉट्स इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से बच्चा हमें ट्रायल एंड एरर के थ्रू वो हमें बता देता है कि कौन से डॉट हैं और कौन से नहीं, तो वो बहुत अच्छी तरह से डॉट की पहचान कर लेता है। और साइमल्टेनियसली अपर डॉट्स और लोअर डॉट्स का कंसेप्ट भी हम बच्चे को दे देंगे। यस, इस तरह से हम उसे वही है अपर डॉट की कॉन्सेप्ट देने के लिए हम इस तरह से देंगे, अपर डॉट के लिए डॉट नंबर वन टू फोर एंड फाइव, डॉट नंबर वन टू फोर एंड फाइव, लोअर डॉट देने के लिए डॉट नंबर टू थ्री फाइव एंड सिक्स ये देंगे। इसके बाद में हम उसको प्रैक्टिस की, इसकी लगातार हमें प्रैक्टिस देनी है, फिर डॉट नंबर वन टू थ्री एंड सिक्स और डॉट नंबर थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इस तरह से अपोजिट जो है मिरर इम्प्रेशन जिनमें हमको पढ़ता है उन सब की प्रैक्टिस देनी बहुत जरूरी है। डी लिखना है, जे लिखना है, इन सबको ये जो दिखने में सेम होते हैं, जे लिखा हमने, डी लिखा, ये जो डॉट्स हैं इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क होता है, इसलिए इन सब की प्रैक्टिस देनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हमने कौन सी डॉट मिस की है। ये जे लिखा हमने तो कौन सी डॉट हमने यहाँ पर लगाई है, कौन सी छोड़ दी है, डी एच डी जे, ये सब लिखने में हमको कौन कौन से डॉट की जरूरत होगी, इनकी बहुत प्रैक्टिस देनी। इसी तरह से ई डॉट ई एंड डॉट आई जो कि डॉट वन फाइव या टू और फोर से बनते हैं तो इनकी प्रैक्टिस देनी भी बहुत जरूरी है। डॉट ई जो है उसके लिए और डॉट आई जो है वो यहाँ पर इस फ्रेम में भी आपको, ये भी बच्चों को हम इसमें प्रिंट एंड ब्रेल दोनों को ही फॉर्मेट को हम दिखाया गया, और इंग्लिश ब्रेल सिखलानी आसान होती है क्योंकि इसमें मात्राएं नहीं होती, आधे अक्षर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए बच्चों को हम फर्स्ट इंग्लिश ब्रेल का कॉन्सेप्ट देते हैं जिससे कि वो आसानी से इनसे सीख जाए, फिर इन अक्षरों को हिंदी में भी हम कोरिलेट करके आसानी से हिंदी सिखला सकते हैं। जब बच्चा ए बी सी डी लिखना सीख जाता है तो ए और बी को ही मिलाकर हम अब भी बना सकते हैं। अब
ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, बी और टी से बस बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। तो ये सब अक्षर जो है कोरिलेट करते हैं और बड़ी आसानी से हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म को सीखा जा सकता है। इसी तरह से ये फॉर्म निकल कर मैं आपको सिक्स डॉट प्लस करके और इसमें ब्रेल को हमको किस तरह से ऐड करना है, मिसिंग करनी है, ये बात भी हम बतलाते हैं बच्चों को। इस तरह कि ये जो हमने सिक्स डॉट लिखे हैं, इसमें हमने सिक्स डॉट का हमने ऐसा यहाँ पर क्या लिखा है जो कि ये कुछ बना है। ये स्टार्ट करते तो मैम सिक्स डॉट के साथ वन लगा है, सिक्स डॉट के साथ आज हमने वन और टू लगाया है, तो ये बी बना है। सिक्स डॉट वन लगाने से ए बनता है, सिक्स डॉट वन और टू लगाने से बी बनता है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते हैं। तो ये सारा ही डिजिट हम बार बार बच्चों को शो करते हैं इस फ्रेम के थ्रू कि अब ये इसे अल्फाबेट के लिए तैयार हो जाएं। तो मैम ये सिक्स डॉट स्टार्टिंग में लगाना जरूरी है? जरूरी है बिल्कुल, सिक्स डॉट लगाने से ही ब्रेल लैंग्वेज का, जैसे कि हम प्रिंट में, जैसे हम बच्चों को प्रिंट जब हम देते हैं नर्सरी क्लासेस में, आपको ध्यान होगा तो हम बच्चों को क्लासरूम में सिर्फ मैम कहती हैं चलो आज स्ट्रेट लाइन बनाकर लाना सारे दिन, या आज तिरछी लाइन या हाफ सर्कल बनाकर लाना, सर्कल बनाकर लाना, इस तरह से हमें डेली होमवर्क बच्चों को मिलता है। इस तरह से कई सारा हमें होमवर्क बचपन में मिलता है इस तरह लाइन बनाने का, तो हम डेली मम्मी सोचती है, हम सोचते हैं ये बचपन में हमें इतना पता भी नहीं होता, लेकिन यही लाइन जो है एक दिन हमें फिक्स करती है। जब हमने दो तिरछी लाइन बनाए हैं तो हमने एक दिन फिर ए का फॉर्म भी बनाया है इस तरह से। तो यही चीजें हैं ब्रेल में भी कि जब हम सिक्स डॉट बना लेते हैं तो यही चीजें जो है मिलकर के हमें ब्रेल के अक्षर लिखने के लिए, उसके कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए प्रिपेयर करती है। तो मैम कब तक नेसेसरी है कि ये बच्चा सिक्स डॉट्स आगे लगा के ही ब्रेल लिखेगा? नहीं कोई नहीं, बस बच्चे का जब अल्फाबेट्स ओपन ब्रेल के अल्फाबेट्स ही बन जाए तो हम बच्चे को वो नेचुरली बच्चे छोड़ देते हैं। सिक्स डॉट का, सिक्स डॉट आ, सिक्स डॉट ए, सिक्स डॉट बी, हम ये स्टार्ट करवाते हैं जस्ट टू थ्री मंथ्स, बच्चे जरूर से ये प्रैक्टिस करते हैं। देन उसके बाद हम सिंपल, चलो आज वो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आज हम सिर्फ ब्रेल लिख कर लाएंगे ए बी सी ए टू जेड तक डॉट। जब तक बच्चे ए से जेड तक डॉट हम जब तक सिखाते हैं तो समझिए वन मंथ या वही डेढ़ महीने, एक डेढ़ महीने का एक प्रैक्टिस कोर्स हमारा जरूर होता है जो कि सिक्स डॉट वो लगाएंगे। और फ्री टाइम में भी हम बच्चों को यही देते हैं कि बच्चों हिंदी में बच्चे बोलते हैं मैम इसे ये हिंदी ब्रेल का ढ होता है, तो वो बच्चे कहते हैं मैम हम ढा बनाए, ढा की प्रैक्टिस जब भी होता है बच्चों को जरूर से देते हैं ब्रेल में इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कि आप जरूर से बैठकर बनाओ, और जरूर से बैठकर ये बनाओ। इससे क्या होता है हर एक सेल में हम ब्रेल डॉट को फिक्स करना सीखते हैं और हमारे फिंगर्स जो हैं एवरी डॉट को लगाने के लिए मूव करते हैं और वो बकायदा फिर वो गलती नहीं करते। जैसे कि सेम हम बच्चों को सुलेख लिखने ये इसकी प्रैक्टिस स्कूल में दी जाती है कि आप लिख कर लाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, एक लिख कर लाएंगे, एक पैरा लिख कर लाएंगे, वही सेम प्रैक्टिस सिक्स डॉट के लिए भी है कि अगर आप खाली बैठे हैं पेपर ले लीजिए और सिक्स डॉट जरूर पंच कीजिए, जिससे कि आपकी ब्रेल की मिस्टेक्स होनी बंद हो जाएंगी ब्रेल राइटिंग के लिए। So it is very important before progressing onto the braille slate, it is very important to teach the child about the concept of the six dot system with the help of a frame like this, or we can have a pegboard like this. We can make the dots missing like this. The child can say ki, the child can first touch these dots 1, 2, and 3, 4 and 6 is present but 5 is missing. And after that we can provide the concept of lower dots as well as the upper dots. For example, we can provide dots like 1, 2, 4, and 5. These are upper dots. And the next we progress on to the lower dots, such as 2, 3, 5, and 6. Like this. So, first we have to start from the child identifying the missing dots. Then we have to progress on to the upper dots, which is 1, 2, 4, and 5. Next we have to progress on to the dots, which are lower dots, which is 2, 3, 5, and 6. It is also very important to make the child understand the mirror images, such as that of a J and that of a D. The J it is 2, 4, and 5, and D it is 1, 4, and 5. So it is very important to a child to recognize the missing dots, the upper dots, the lower dots, as well as the mirror images of these dots. And these patterns should be followed with each and every child, whatever his unique needs or characteristics or learning styles are. These patterns should be followed with each child in order to have a good concept, or in order to have a concept of a braille six dot system. Next, while writing the braille, we can
make the child to draw 6 dots, and the next he can progress on to A, which is A is represented by 1. So it is very important for a child to draw the 6 dots further and before writing to the different dot system or the place value of the different alphabets, like A is represented by 1 and B is represented by 1, 2. Like in this case, the 6 dots have been punched after that, which is 1, 2. It means it is B. So it is very important to teach a child these patterns, whatever, in spite of his unique needs, styles or characteristics are. हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखेंगे. अच्छा, तो फिर बच्चों को हम वही मोटिवेट करते हैं जब उनके काम में प्रोग्रेस आने लगती है. वो डेली होमवर्क करके भी लाते हैं, अपना क्लास वर्क भी करते हैं, हम उसमें क्लास वर्क को भी मार्क करते हैं और होमवर्क भी जो करके लाते हैं उनकी एक छोटी फाइल बनाते हैं. फाइल में बकायदा हम उन्हें बताते हैं, वर्बली इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आज आपको स्टार मिला है, आज आपको गुड मिला है, साथ में आपको 2 ट्रॉफी मिलेंगी, आज इसने काम अच्छा किया. जिस बच्चे ने किया है वाकई में हम उसे प्रमोट करने के लिए ट्रॉफी देते हैं या कोई ऐसी चीज देंगे जो कि बच्चे को वो लाइक करता हो, उसको क्लास में अप्रिसिएशन दे करके उसको आगे बढ़ाते हैं. तो डेली हम बच्चे को इसकी प्रैक्टिस देनी बहुत जरूरी है और बच्चे को वन बाय वन, डे बाय डे हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. इसके बाद राइटिंग प्रोसेस हो जाने के बाद में बच्चे को हम उसका ही पेपर रीड करने के लिए जरूर देते हैं कि ये देखो, एक दिन हम अपनी बुक पढ़ नहीं पाते थे ना, ये देखो आज हम अपना पेपर पढ़ पाते हैं. और अपने भाई, उनके भाई बहन भी उन्हें कमेंट करते कि अरे तुम क्या पढ़कर आते हो, क्या लिख कर आते हो. तो देखो तुम आज अपने भाई को दिखला भी सकते हो कि देखो ये हमारी लैंग्वेज है और ये मैं आज इसमें लिख कर लाया हूँ, मेरी मैम ने मुझे स्टार भी दिया है, गुड भी दिया है. और बच्चे को ही वही पेपर उसे पढ़ने दे, बच्चे को ये चीज बहुत अच्छी लगेगी. देखो आज उसे अंदर से बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं आज अपना लिख करके अपनी पढ़ाई कर भी पा रहा हूँ. तो हम उसको इनकरेज करने के लिए, चलो हम आपका नाम लिखते हैं, आज आपके पापा का नाम लिखते हैं, या हम सिर्फ आज पापा लिखते हैं, पापा में कोई मात्रा नहीं लगी. तो बच्चे बड़ी जल्दी भाई, पापा, ये सब जो अक्षर हैं, बहन, फिर उनके धीरे धीरे नाम भी लिखना सीख जाते हैं और बड़ी खुशी खुशी वो फैमिलीज डे, अपना बर्थडे का डे, ये सब चीजें जो वो इजीली आसानी से सीखते हैं, जिससे उनमें कहीं जुड़ाव है, लगाव है, उसकी तरफ हम पॉजिटिवली उन्हें लेकर आते हैं. तो ये बात अहम है कि ब्रेल रीडिंग और राइटिंग जब हम सिखला रहे हैं बच्चों को तो उसमें टीचर और पेरेंट्स का एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रोल होना चाहिए. उसको इनकरेजमेंट हमेशा मिलती रहनी चाहिए बच्चे को. ये जो रिजल्ट्स हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आकर यहाँ आइसोलेट महसूस करता है, उसे अकेलापन लगता है, वो शेयर नहीं कर पाता. लेकिन धीरे धीरे यही माहौल उसके लिए इतना सेफ लगता है. बच्चे के लिए भागना दौड़ना ही नहीं, वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें कि वो पॉजिटिवली गाना, डांस करना, बहुत सारे ड्राइंग करना, ये सभी एक्टिविटीज जो है हम एम्बॉस्ड फ्रेम में बच्चे को करवाते हैं. और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अपना एक यूनिक संसार होता है कि वो इसमें अपना सब कुछ पा सकता है, जो ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं पा सकते, वो सब कुछ इस एरिया में आकर के पा सकता है. सो आज के हमने सेशन में देखा कि कितने टाइप की टीचिंग एड्स होती हैं जिससे हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को ब्रेल सिखा सकते हैं. फर्स्ट वी हैव टू स्ट्रेंथन अपॉन द चाइल्ड्स डिफरेंट सेंसेस, विच इज कम्युनिकेशन, ऑडिटरी, विजुअल, tactile or touch, and next we have the kinesthetic sense. It is very important to teach all those senses or all these senses or strengthen all these senses in combination with one another rather than going into the isolation. For example, if we see a visually impaired child, usually they are present or they are restricted into their own family environment and they are only restricted to their family members or their parents. Not they are not very communicative and they are not very social interactive. So it's the prime duty or the prime concern of a teacher or a special educator or a professional working with the child in order to first build the rapport with the child. And the teacher can build the rapport with the child with first communicating his things about his familiar environment, like what you do into the house or what do you like to eat or what your mother does into the house and what you do after going from school to home. These kind of questions or these kind of interactions
questions can be started by the teacher in order to build or share a rapport with that of a child. After the after sharing or building a rapport with the child, the teacher can progress on to the different students which are sitting by the child and can make the child interact with them also. This helps a child to build a more familiar and more comfortable school environment, so that he is better adjusted to, rather than moving on to further reading and writing braille. Then the teacher can progress on to different familiar things which a child likes in teaching a concept. For example, if he likes to eat apple, the teacher can draw a shape of that of an apple onto a paper, provided with the help of a boundaries. The teacher can make the child to color inside the apple and simultaneously providing the verbal instructions that okay, the apple is sweet, it is sweet in taste, it is red in color, it also consists of the seeds, etc. So verbal instructions has to be provided because it further motivates and interests the child in order to participate in an activity. For example, if we are describing about a birthday party, so it is very important to tell a child that in birthday party we eat cakes or we eat pastries or we have different friends or guests arriving at our houses and we wore different kinds of dresses, new dresses. So it helps, verbal instruction helps in building the motivation as well as the interest into the child. Plus, these verbal instructions should be provided into a step-by-step manner, because there is a lack of imitative and incidental learning into a visually impaired child. So it is very important to teach a visually impaired child into a step-by-step manner or a task analysis manner. And also the parent involvement is very must into these activities, because ultimately these are the parents are the are the persons which are more close to the child, and the child is spending most time of his day with the parents. And also after